हेलो एवरीवन। सो आज मैंने बनाया है मसाला राइस। सो सबसे पहले आपको कुकर लेना है, उसमें आप तेल या घी जो भी आप प्रिफर करें वो आप डाल सकते हैं, 3 से 4 टेबल स्पून। फिर आपको उसमें डालना है जीरा, जो कि मैंने आधा टेबल स्पून लिया है, और फिर एक मीडियम साइज प्याज यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। फिर जैसे वो थोड़े गोल्डन ब्राउन होने लगे ना, फिर आपको उसमें डालना है आलू। तो मैंने यहाँ पर एक आलू लिया है और उसको कट करके इसमें छोटे पीसेज में यहाँ पे डाला हुआ है। फिर जैसे ही वो थोड़े आपको लाइक 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन पीस डाला है मटर, ओके। और फिर उसके बाद उसे 2 से 3 मिनट आपको चलाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मसाले डालने हैं। तो मसाले यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर और गर्म मसाला 1/2 टेबल स्पून लिया हुआ है। सो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तो इस तरीके का कुछ कलर आपको यहाँ पे दिखेगा मसाले मिक्स होने के बाद। एंड फिर आपको इसमें आपकी जो चावल है, आप जैसे यहाँ पे मैंने नॉर्मल राइस यूज़ किया है, आप बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको डालना है पानी और फिर 2 सीटी आने का इंतज़ार करना है। बन गया मसाला राइस। थैंक यू।